बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी साइंस की टीचर मिस सुम्बल्स। आज पढ़ेंगे क्लास सिक्स के साइंस के बारे में, यूनिट नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 3 पे। इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर है ये हमारा। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर प्लांट सेल्स और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट सेल्स क्या है। प्लांट सेल्स हमारे पास ये है कि इसमें सेल वॉल होते हैं जो सेलुलोज का काम करते हैं, क्या है आउटर मोस्ट लेयर इसका होता है। दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद जो है सेल्स के अंदर क्या क्या है। सेल्स के अंदर वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो ये जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया था जो जो काम करते हैं, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स हैं, सही है। इसके अंदर तो जो वैक्यूल्स हैं तो वो जो है ना इसके अंदर साल्ट, शुगर और साल्ट मौजूद होते हैं, वही काम करते हैं। तो प्लांट्स को जो सेल्स से एनर्जी मिलती है और इसको रिजिडिटी मिलती है, तो वो क्या है, ये इसके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट है सेल्स के टाइप्स से, है तो मुख्तलिफ काम करते हैं और इसी की वजह से मिलती है, सही है। क्लोरोफिल है, तो अगर आप लोग देखें कि जब प्लांट का रंग ग्रीन होता है तो क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल जो है ना ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं जो क्लोरोफिल है, तो इनका रंग, प्लांट का रंग ग्रीन कलर भी उनका ग्रीन किया है। और दूसरा ये जो उस पर सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपने खुराक तैयार करते हैं ना प्लांट्स, तो ये जो है ना ये क्लोरोफिल की वजह से ही करते हैं। अगर इसमें क्लोरोफिल ना हो तो फिर जो है ना प्लांट्स तो खुराक तैयार नहीं करते, अपने प्लांट भी नहीं बनते। तो ये जो है हमारे पास, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में। ये तो प्लांट सेल्स के बारे में था, अब स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, सिंपल एनिमल सेल्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर शो इन द डायग्राम है, वो यहाँ पर हमें डायग्राम भी दिया है। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल्स बिकॉज हमारे पास जो एनिमल सेल्स है वो डिफरेंस है प्लांट सेल्स से, यानी प्लांट्स का सेल्स और एनिमल का सेल्स दोनों डिफरेंस है। कुछ जो है प्लांट्स में कुछ टाइप्स मौजूद है और टाइप्स सेल्स, और कुछ जो है ना एनिमल्स में, यानी इन दोनों में जो टाइप्स मौजूद है, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो है ना एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है, कुछ में मौजूद है और कुछ में नहीं। हमारे पास प्लांट सेल्स में सेल वॉल मौजूद है, तो एनिमल सेल्स में हमारे पास सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। वहाँ पर जो प्लांट सेल्स है उसके सेकंड पार्ट सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारे पास जो एनिमल सेल्स है उसके फर्स्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, सेल मेम्ब्रेन है, फिर स्मॉल वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, ये देखें न्यूक्लियस है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और इनका काम क्या है, ये जो टाइप्स है इसके सेल्स के अंदर ये क्या किरदार अदा करते हैं इसमें। दे हैव ओनली ए थिन सेल्स मेम्ब्रेन, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो बिल्कुल ये थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, और इसमें सेल वॉल नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो इसमें सेल वॉल नहीं होता। दूसरा ये हमारे पास दे डू हैव क्लोरोप्लास्ट आर ए लार्ज एंड परमानेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। हमारे पास सेल प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो प्लांट्स का रंग ग्रीन करते हैं, उसी की वजह से होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह। तो यहाँ पर जो एनिमल सेल्स है तो इसमें सेल क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और दूसरा है जो वैक्यूल्स है इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, वहाँ पर स्मॉल होता है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, सॉरी वहाँ पर लार्ज होता है तो यहाँ पर बहुत स्मॉल होता है। प्लांट सेल्स में हमारे पास वैक्यूल्स लार्ज होता है, उसमें शुगर और साल्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनिमल सेल्स है इसके अंदर जो वैक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और कुछ टाइम के लिए आ जाता है फिर ख़त्म हो जाते हैं, फ्लूइड है। दूसरा ये है कि जो है ना यह काम क्या करते हैं, इसमें लिक्विड वैक्यूल्स में लिक्विड्स मौजूद होता है, जिस तरह साल्ट और शुगर उसमें है, तो इसी में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो पावर हाउस ऑफ द सेल्स है, सही है। न्यूक्लियस भी हमारे पास जो क्या है काम करते हैं सेल्स को केमिकली जो
केमिकली रिएक्शन इसमें हो जाती है तो उसको रिड्यूस करते हैं, सही है। साइटोप्लाज्म भी वहाँ पर भी साइटोप्लाज्म अपना किरदार अदा करता है और यहाँ पर भी आपने देखा है कि साइटोप्लाज्म दोनों में क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स केमिकली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो जेली लाइक की तरह होता है, और दूसरा ये है कि जो साइटोप्लाज्म है ये ऑर्गेनल्स भी है, स्मॉल ऑर्गन स्मॉल स्ट्रक्चर होता है इसका, सही है। दूसरा ये कि ये प्रोटीन्स मेक करता है। अब यहाँ पर थोड़ा दिया है स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स, दो पॉइंट्स, एक एनिमल्स के बारे में दिया है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, और एक प्लांट्स के बारे में। स्पेशलिस्ट प्लांट आर दो आर प्लांट सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मेनी ऑफ देम आर एडाप्टेड टू कैरी आउट स्पेशल जॉब्स विद इन द प्लांट्स। टू एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो है ना इसका दो स्ट्रक्चर दिया है कि सिर्फ दो ही सेल्स को उठा के यहाँ पर हमें शो किया है कि प्लांट सेल्स क्या काम करते हैं। आप इस पेज पे देखें, पेज नंबर 4 पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये जो हमारे पास है, बस क्या दिया है पेलिसाइड सेल्स। पेलिसाइड सेल क्या है? प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि पेलिसाइड सेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ। ये किस जगह पर है? ये लीफ में पाए जाते हैं, टॉप्स बिल्कुल टॉप सरफेस पे होता है लीफ के पत्तों के। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोफिल टू ट्रैप सनलाइट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, जिस तरह इसी पे जो है ना सनलाइट पड़ती है तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है और खुराक तैयार करना शुरू कर देता है। ये जो लीफ है ना पत्ता है हमारे पास प्लांट के, तो उस पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये पेलिसाइड सेल जो है ना ये उसके बिल्कुल ऊपर सतह पर होता है, तो ये इस पे डायरेक्ट ही सनलाइट पड़ती है और ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करता है, ये प्रोसेस स्टार्ट करता है, सही। सेल वॉल्स देखिए आप, ये लीफ पेलिसाइड सेल्स, अब ये एक ही सेल्स उठा के यहाँ पर आपको दिया है कि इसमें सेल वॉल है, देखो आउटर मोस्ट न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और वैक्यूल्स है, देखो दरमियान में ये वैक्यूल्स है, ये आपको शो किया है। तो ये क्या करते हैं, पेलिसाइड से फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सनलाइट इस पे पड़ती है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू करता है, खुराक तैयार करता है, तो इससे प्लांट्स ग्रोथ आसानी से करता है, सही। और ये ख़राब होता है तो फिर जो है ना ये फिर तो प्लांट खुराक तैयार नहीं कर सकता, तो फिर प्लांट जो है ना मुरझाए जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरा सेल्स हमें उठा के यहाँ पर शो किया है, रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं, रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब ये रूट जो है ना प्लांट्स के रूट्स जड़ जो कहते हैं उसमें क्लोरोपिल नहीं हो, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्यों, उसका रंग तो ग्रीन नहीं होता ना, लीफ में क्लोरोपिल होते हैं, तो क्लोरोपिल क्या काम करते हैं, रंग ग्रीन का, जो पत्तों का रंग ग्रीन होता है तो ये क्लोरोपिल की वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो रूट्स में का तो रंग ग्रीन नहीं होता तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। दे डू नॉट नीड क्लोरोपिल एज दे आर मोस्टली फाउंड अंडरग्राउंड एंड देयर जॉब इज टू ड्रा द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। दे आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया। ये जो है ना इसके रूट हेयर, देखो रूट हेयर सेल्स उठा के यहाँ पर शो किया है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं और वाटर एंड मिनरल्स साथ। ये जो रूट्स है ना तो इसके जो ये बहुत ज़्यादा बड़े लॉन्ग सरफेस एरिया तक जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया तक जाते हैं, और तीन तीन होते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन लार्ज। किस लिए? क्योंकि जो सॉइल्स है ना उससे वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए और मिनरल्स आते हैं, यानी अपने प्रोटेक्शन के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, तो ग्रोथ करने के लिए ये जो इसकी रूट हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाती है ज़मीन में, सही। और ये जो है ना ये और इसका काम ही यही होता है कि ये अपने लिए वाटर सॉइल से और मिनरल साल जो होते हैं ग्रोथ के लिए वो अब्सॉर्ब करते हैं, सही है। ये बहुत थिन होते हैं लेकिन इनका काम यही होता है, ये यही काम करते हैं रूट हेयर से जो है हमारे पास, ये रूट हेयर सेल था
फेरिसाइड सेल्स और रूट हेयर सेल्स, दोनों की समझ तो आपको आई होगी। ओके, थैंक्स।